आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, चलिए देखते क्या कहता है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2 × दिस प्लस 3 × दिस इज इक्वल टू 3 × दिस मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, 2 को इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x 2z 2y एंड 2t। आपने जब भी करना है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद मैंने स्टेप किया है, इसके बाद प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 3 माइनस 3 0 एंड 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू किसके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स को, क्या बनेगा 9 15 12 एंड 18। ऐड कर दीजिए आप, क्या बन गया 2x प्लस 3 2z प्लस, ये माइनस का 3 है तो माइनस 3 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6, ये किसके इक्वल 9 15 12 एंड 18। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां से इक्वेट कर दीजिए, सो क्या बनेगा हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। यहां क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 6, सो x की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया, x की वैल्यू आ गई। यहां से 2y किसके इक्वल होगा 12 के, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। 2z माइनस 3 किसके इक्वल होगा 15 के, सो 2z ये 3 इधर जाके प्लस हो गया 18, z की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 9 एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 18 के, 6 माइनस करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 6। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। बहुत आसान सा था, चलिए नेक्स्ट में भी ऐसा ही है। ये क्या कहता है कि x इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 10 5 मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये हमारे पास 2 × 1 की मैट्रिक्स है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, मल्टीप्लाई करके लिखूं मैं क्या बनेगा 2x एंड 3y हो गया, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा माइनस y एंड y इज इक्वल टू किसके हो गया 10 एंड 5 के। इसको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस माइनस वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू 10, यहां से 3y प्लस वाई इज इक्वल टू, पहले हम इसको सिर्फ ऐड कर रहे हैं नोट 10, 3y प्लस वाई इज इक्वल टू किसके हो गया 10 एंड 5। नाउ जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इक्वल कब होगी, जब दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास क्या बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास क्या बनेगा 3y प्लस वाई मीन्स 4y, 4y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, यहां पे क्या किया हमने 2x एंड 3 से मल्टीप्लाई करना था तो ये क्या बनना था हमारा 3x बनना था, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं हम, 2x एंड 3x मल्टीप्लाई करेंगे y नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे ये क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई, तो ये भी चेंज हो जाएगी हमारे पास, क्या बनेगा 3x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 5 के इक्वल। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3x कितना हो गया
5x इजिकल टू 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, पुटिंग इन 1, x की वैल्यू 3, 3 टू जा 6 माइनस वाई इजिकल टू 10, माइनस वाई इजिकल टू इधर जाके क्या बचेगा 4, एंड वाई इजिकल टू क्या हो गया माइनस का 4। सो सॉल्यूशन x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू माइनस 4 इज अवर आंसर। देखा आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं सारे, मैट्रिक्स और जो डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर है वो बहुत ही आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।